नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, जिसका नाम है चिकन पपाया। चिकन पपाया इस रेसिपी का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें पपीते का इस्तेमाल किया जाता है इस चिकन को बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम है चिकन पपाया। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी इसकी विधि, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और उसमें मैंने करीबन 3 मीडियम साइज के प्याज के पेस्ट बना लिए हैं। और जितना आप प्याज का पेस्ट लोगे, बिल्कुल उसी हिसाब से इक्वल में आप पपीते का पेस्ट भी ले लीजिए। और 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट आप देख सकते हो, बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा खुदरा रखा है इसमें। और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार हम यहाँ पर रखेंगे। और दो लहसुन पूरा हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने पूरा एक वो लहसुन जो है वो ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा उसको तोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने यूज़ कर रही हूँ तंदूरी चिकन मसाला। चिकन तंदूरी जो मसाला आता है वो आप घर पे भी बना सकते हो, या फिर आप बाजार से मार्केट में जो मिलता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन तंदूरी मसाला का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसमें इस रेसिपी में तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिया है। और यहाँ पर मैं और भी कोई खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ तेज पत्ते का इस्तेमाल करूँगी और कोई खड़े मसाले इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये पपीता जो है उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसमें कोई भी खड़े मसाले यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको करीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है और मीडियम को बिल्कुल फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है, बहुत हाई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा हमको इसे फ्राई नहीं करना है मसाले को, जस्ट थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करके उसके बाद हम इसको ढक देंगे। करीबन 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के छोड़ देंगे। पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज और पपीते जो हमने इसमें ऐड किए हैं उसका जो पानी निकलेगा उसी से ये चिकन जो है वो बिल्कुल पक जाएगा। और हमने तेल भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, इसलिए हमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन निकालेंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था इसे। अब हम इसमें हरी मिर्च जो मैंने थोड़ा सा बीच से चीरा लगा लिया है, अगर आप जितना मिर्च खाते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर जो है हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने फिर इसे हम ढक देंगे। ढक के हमें फिर और 15 मिनट के लिए इसे पकाना है। 15 मिनट बाद देखिए ये चिकन जो है कितना ज़्यादा, इसका पानी आप देख सकते हो, मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। ये जो प्याज और पपीते का जो रस है उसी से ही ये चिकन बिल्कुल पक जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा आलू जो है वो छोटे छोटे आलू होते हैं उसी को मैंने बीच से कट करके इसमें फ्राई कर लिया था पहले। थोड़ा सा नमक के साथ मैंने फ्राई कर लिया था आलू को, तो वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करके अब हमें और 15 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देना है, जिससे कि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए चिकन। और आलू को भी पकने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट बाद देखिए आप देख सकते हो ना इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी आई है और ये चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इस चिकन को आप किसी के साथ भी खा सकते हो, चावल, रोटी, पराठे, नान, किसी के साथ भी ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। तो चलिए आज की ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।